नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी के श्रेष्ठ भारत भवन के परिसर में लारी गल्ला कर रहे मजदूरों को सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा उनके लारी गल्ला हटाने के लिए मौखिक सूचना दी गई है। ऐसी जानकारी मिली है जिससे इन गरीब आदिवासी मजदूरों में नाराजगी व्याप्त है। भारत भवन के परिसर में धंधा करके अपना गुजारा चलाने वाले गरीब मजदूरों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन यहां पर निगम के अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों का रोजगार छीनने का प्रयास हो रहा है। गुजरात सरकार ने भी कहा था कि केवड़िया कॉलोनी नज़दीक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का प्रोजेक्ट आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। रोजगार देने की जगह रोजगार छीना जा रहा है। अब क्या गुजरात सरकार इन गरीबों की सुनेगी, उनको न्याय दिलाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। केवड़िया कॉलोनी खाते अमने अमे धंधो रोजगारी गुजारी छे, तो अमने निगम वाला આમ અટકણ કરે છે કે તમે અહીંયા લારી ગલ્લા ના કરશો, ને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એવું કીધું છે કે તમારી ગરીબો માટે મેં રોજગારી ઊભી કરીશ, તો અમારું શું, અમે કેવી રીતે જીવીશું? લારી ગલ્લા બંધ કરાવશે તો અમે કેવી રીતે જીવીશું? અમારી જમીન પણ ગઈ છે, બધું જ ગયું છે, એના માટે અમે રોજગારી આપીશું, તો રોજગારી પણ નથી આપી, તો અમે કેવી રીતે જીવીશું? શું નામ તમારું? મારું નામ જોશના।